हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर से बहुत ही इजी और टेस्टी सा नाश्ता, जिसको आप शाम के नाश्ते में बना के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए हम बनाते हैं मटर का ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता। मटर का नाश्ता बनाने के लिए मैंने ली है एक कटोरी मटर। ये ताजी मटर है, आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ये ली है थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चार हरी मिर्च, और साथ ही में ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और इन सबों को मैं बहुत थोड़ा सा पानी डाल के और क्रश करूँगी। मैंने ये इसको क्रश कर लिया है, और अब मैं इसको इस बाउल में पलट देती हूँ। देखिए इस तरह से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये ब्रेड क्रम्स, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये आलू जो मैंने मैश कर लिए हैं। ये छोटे छोटे दो आलू हैं जिसको मैश कर लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, और अब मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन। इसमें मुझे थोड़ा सा ये पानी सा लगता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा इस चम्मच से 2-2.5 चम्मच बेसन मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसकी इस तरह से छोटी छोटी टिक्की बना लूंगी, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने ये पैन चढ़ा लिया है, मैं इनको शैलो फ्राई करूंगी। मैंने इसमें ये तेल भी डाल दिया है, तो अब मैं इन टिक्कियों को इसमें डाल देती हूँ। अब ये एक तरफ से देखिए गोल्डन हो गई है, तो मैं इनको पलट देती हूँ। ये दोनों तरफ से पक गई है टिक्कियां, आप देख सकते हैं, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मटर का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है, आप भी इसे बना के जरूर ट्राई करें। ठंड के मौसम में तो मटर बहुतायत से मिलती है, बहुत ही टेस्टी है। आपको अगर ये पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।